हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूँ फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, उस टॉपिक के रिक्वेस्ट से कमेंट बॉक्स तो पूरा भरा पड़ा हुआ था कि कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ, मेरा ये कैटेगरी है मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरा वो कैटेगरी है मेरे इतने नंबर हैं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, ओबीसी का कितना, ईडब्ल्यूएस का कितना। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस टॉपिक में मिलेगा, इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम कॉलेज वाइज कट ऑफ बताएंगे सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस का, छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सभी का। प्राइवेट के जो कट ऑफ्स हैं उनका स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा का डिफरेंट कट ऑफ आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेगा, जिसमें हमने बताया है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कितने मार्क्स लाने होंगे। स्टेट कोटा में वहां पर कैटेगरी भी होती है, मैनेजमेंट में तो नहीं होता, तो सारा कट ऑफ वहां पर आपको समझ में आएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये वाला वीडियो, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के तो आप उस वीडियो पर जाइए, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इसमें हम बात करेंगे एक एक कॉलेज के बारे में। और हाँ, इसके पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिस समय दुर्ग के कॉलेज का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, और इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जो न्यू जो सीट्स आई हैं उन नए सीट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अभी 150 सीट एक्स्ट्रा आ चुकी हैं दुर्ग के कॉलेज की, तो ये जो सीट्स का नंबर है ये भी इम्पैक्ट करता है। और कट ऑफ जो है काफ़ी अभी लो जाने वाला है, जो लास्ट वाला कट ऑफ हमने बताया था उससे भी कम कट ऑफ जाएगा। यहाँ पर हमने 2021 और 2022 के कट ऑफ्स को कंपेयर किया है, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो फिर आप अनरिजर्व में नीचे देखेंगे 2021 और फिर 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। 2021 में कितने मार्क्स पर और कितने ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन हुआ था, इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। और सेम चीज़ 2022 में कितने मार्क्स पर और कितने ऑल इंडिया रैंक पर आपका एडमिशन हो सकता है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि मार्क्स आपको ब्लू कलर से दिखेगा और ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपको रेड कलर से दिखेगा। यहीं पर एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है यहाँ पर ब्लू कलर से और ऑल इंडिया रैंक जो है वो रेड कलर से दिखेगा। इन कट ऑफ्स को समझने के पहले एक बात ज़रूर समझ लीजिएगा, मैंने लास्ट जो इम्पैक्ट ऑफ नीट रिजल्ट ऑन कट ऑफ एक वीडियो बनाया था उसमें ये चीज़ बताई भी थी कि इस बार 600 प्लस या 590 प्लस वाले जो बच्चे हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनका जो मार्क्स है 570 से 500 के बीच आता है उनका नंबर बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो 500 से 570 के बीच लाते थे उनका मार्क्स जो है वो 500 के नीचे चला गया है। तो उस वाले रेंज में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, जो टॉप का जो रायपुर का कॉलेज है वहाँ के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज़्यादा चेंज अभी तक पिछले 2 साल में हमें देखने को नहीं मिला है, तो हम इस साल भी यही मान रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस में कम होंगे, जबकि बाकी सारे स्टेट में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बट छत्तीसगढ़ में इसका कट ऑफ बहुत लो है। तो ईडब्ल्यूएस में चेंजेस हो सकते हैं, अब जब एक्चुअल कट ऑफ आएगा, जब एक्चुअल एडमिशन होगा, तो कितने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था इस पर डिपेंड करेगा। तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा चेंज दिखे, बट यहां पर जो हमने डेटा लिया है ये पिछले 2 सालों के ट्रेंड के हिसाब से लिया है। अगर सेम ट्रेंड रहता है तो इसी कट ऑफ के आसपास एडमिशन होगा। अगर ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज होने का कोई खास चांस दिखता भी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा भी तो 5-6 नंबर का पड़ सकता है, मैक्सिमम 10 नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ईडब्ल्यूएस का 10 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज इसी के आसपास होगा, ये आप लोगों को पहले से मैं बता दे रहा हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉलेज वाइज। तो अगर आपको जीएमसी रायपुर चाहिए, जिसको पीटीजीएनएम जिसका नाम है, हम लोग जीएमसी बोलेंगे ना, तो वो टेबल बहुत बड़ा हो जा रहा था, दिक्कत हो जा रही थी एक टेबल को ऐसे फिट करने में, तो हमने जीएमसी रायपुर लिख दिया, भाई सस्ता सुंदर टिकाऊ नाम है। जीएमसी रायपुर जो है आपको 2021 में, अगर आप जनरल कैटेगरी के थे, यहां पर हम सब कैटेगरी नहीं ले रहे हैं, जनरल कैटेगरी से थे आप थे, तो आपको सिर्फ 600 नंबर चाहिए थे। 600 नंबर में लास्ट एडमिशन हुआ था सेकंड राउंड के बाद, मॉपअप वगैरह को हम इसमें ऐड अभी नहीं कर रहे हैं। 600 नंबर वाले का जो रैंक था 19,120 था। इस बार थोड़ा कम हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि नंबर थोड़े बच्चों के कम आए हैं, तो 598 अगर आपका आया है जनरल कैटेगरी से या 598 के ऊपर, मतलब 600 के आसपास है, तो आप इससे 4-5 नंबर ऊपर नीचे हमेशा अपने आप को काउंट किया कीजिए जब भी कट ऑफ बताया जाता है। तो अगर इसके आसपास आपके नंबर है तो आपका जो रायपुर का जीएमसी है उसमें एडमिशन हो जाएगा।
ओबीसी का लास्ट ईयर का कट ऑफ 591 था, 591 नंबर में 24,000 रैंक पर। इस साल भी उसी 24,000 के आसपास। अब हम मैंने यहाँ पे 24,000 इसलिए एग्जैक्टली ले लिया सेम टू सेम कि 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो 585 नंबर पर इस बार एडमिशन होने की संभावना दिखती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 590 के नीचे वाले जो नंबर है वो थोड़ा ड्रास्टिकली चेंज होते हुए दिखेंगे। अब सारे कट ऑफ में आप 5 नंबर या 3-4 नंबर ऊपर नीचे लेते हुए ज़रूर चलिएगा, नीचे हो सकता है ऊपर होने के चांसेस कम होते हैं। EWS को 550 नंबर, जो कि जनरल कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ होता है, उतने नंबर पर PTJNM रायपुर मिल गया था, तो EWS को बहुत फ़ायदा है। 549 नंबर में मिल गया था, इस बार 540 नंबर, यानी कि देखिए, जिसको मैं अभी येलो करते जा रहा हूँ, येलो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको ध्यान पे रखिएगा कि इस नंबर पर आपका एडमिशन होगा। अगर आप SC के थे तो लास्ट ईयर आपको 499 मार्क्स पर एडमिशन मिला था, और इस बार 2022 में बहुत ज़्यादा चांस है कि 490 के आसपास तक भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 490, 492, 493 के आसपास आपको एडमिशन मिल जाएगा। ST कैटेगरी जो है, ST कैटेगरी में क्या है कि सिर्फ 406 नंबर चाहिए था, पिछली बार 406 नंबर चाहिए था, इस बार भी लगभग 390 के आसपास नंबर चाहिए। 395 मैंने लिया है, 396, 397 इसका कट ऑफ जा सकता है, 2 नंबर इसमें ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज मैंने एक बेयर मिनिमम चूज करने की कोशिश की है कि आप एक सेफ स्कोर पर चले। तो अगर आपके इतने नंबर हैं या आपके रैंक इसके आसपास है, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, इतने अगर आपके नंबर हैं या इसके आसपास आपका रैंक है, इसके आसपास आपका नंबर है, तो आपको GMC रायपुर में एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड नंबर बिलासपुर, बिलासपुर में देखिएगा कि 574 नंबर में पिछली बार एडमिशन हुआ था, और इस बार 570 नंबर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को बिलासपुर का कॉलेज मिल जाएगा। बहुत से बच्चे 575-576 लाकर पूछते हैं कि क्या GMC रायपुर मिल सकता है, तो रायपुर नहीं मिल सकता, लेकिन बिलासपुर इजीली मिल जाएगा। रायपुर 575 में लगभग मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है, ठीक है। अब OBC के बच्चों के लिए सेम उसी के आसपास कट ऑफ होता है, पिछली बार 574 था, तो हम लोग मान रहे हैं कि इस बार भी उनका भी 570, OBC और जनरल का दोनों पर कैटेगरी यहाँ पर सेम कट ऑफ में क्लोज हो रहा है। पिछली बार EWS को 513 नंबर, जिसमें जनरल वालों को MBBS भी नहीं मिलता है, BDS से संतोष करना पड़ता है, उसमें GMC बिलासपुर मिल गया था, इस बार 509 नंबर के आसपास हमने बेयर मिनिमम लिया है। इससे एक दो नंबर कम हो सकता है, ज़्यादा होगा तो एक दो नंबर ज़्यादा होगा, एक दो नंबर का हेर फेर हो सकता है, तो इतने नंबर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप EWS कैटेगरी के हैं। तो SC वालों को सिर्फ 476 चाहिए, 476 नंबर चाहिए, और SC का एडमिशन बिलासपुर के कॉलेज में हो जाएगा। और इस बार ST का जो कट ऑफ है रायपुर के लिए, वो 363 के आसपास जाएगा। तो इस कैटेगरी में आपके नंबर हैं तो आप फ्री हो जाइए। एक तो वैसे ही बहुत सेफ नंबर है, किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। तो 363 यहां पर होता है, ठीक। अब देखिएगा कि ये बात याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट का नया डिसीजन आया है, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा ना, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हम पुराने रिजर्वेशन सिस्टम के बेसिस पे ये बातें कह रहे हैं, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम बदलने पर हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। अब देखते हैं राजनांदगांव में देखिएगा कि इस बार अगर आप 555 नंबर लेके आते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, ये UR का है ना, ये OBC का है, ये किसका है, सॉरी, हाँ ये OBC का है, और ये वाला EWS का है, और ये वाला जो है ये हमारे SC के लिए है, और ये हमारे ST के लिए है, ठीक है। तो OBC वाला ये जो है, OBC वाला, और ये वाला अनरिजर्व्ड वाला है, ठीक है। तो वो पीछे ऊपर चला गया टेबल में, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिएगा कि अगर आप 555 नंबर लेके आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको आराम से राजनांदगांव का कॉलेज मिल जाएगा, और OBC से अगर आप 555 लाते हैं तो भी मिल जाएगा, क्योंकि सेम कट ऑफ लास्ट टाइम भी गया था, और उसके नीचे जगदलपुर में भी लगभग सेम कट ऑफ गया था। तो OBC जनरल का कट ऑफ लगभग सेम होता है, 555 के आसपास आपके नंबर हैं, 555 के आसपास आपके नंबर हैं, तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पर
500 के नीचे अगर आप लेकर आए हैं EWS कैटेगरी से तो भी राजनांदगांव का कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको 462 चाहिए SC कैटेगरी के अंदर और 557 नंबर चाहिए, क्योंकि रैंक के हिसाब से देखें तो रैंक के हिसाब से हम ये बात कह रहे हैं, तो आपको 557 नंबर पर राजनांदगांव का कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपके अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये नंबर है तो आप राजनांदगांव कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। इसके ऊपर वाले में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसके नीचे जितने कॉलेजेस हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो आप बहुत सेफ एरिया में हैं अभी, क्योंकि ये तीसरा कॉलेज है, इसके नीचे 7 कॉलेज और बचे हुए हैं। तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इजीली मिल जाएगा, सेम नंबर पर जगदलपुर मिल जाएगा, क्योंकि जगदलपुर और राजनांदगांव लोग सिर्फ अपने घर के डिस्टेंस के बेसिस पर ही चूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों कॉलेजेस जो है लगभग सेम है, बराबर है, और दोनों शहर भी लगभग बराबर है, है ना। तो 555 में आपको मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर एडमिशन, और 552 में मिल जाएगा OBC के कैटेगरी से यहाँ पर एडमिशन। हो सकता है कभी कभार थोड़ा बहुत, कभी इसका कट ऑफ कम होता है, कभी इसका कट ऑफ कम होता है, लेकिन पिछले 2 साल के ट्रेंड के हिसाब से ये कट ऑफ बैठ रहा है। EWS वालों को 493 में कभी भी जगदलपुर और राजनांदगांव का कट ऑफ देखेंगे लगभग बराबर जाता है, वहाँ पर एक आध नंबर का ही हेर फेर होता है, कभी कभी तो जैसा आप देख सकते हैं सेम नंबर का कट ऑफ होता है। रायपुर बिलासपुर सेम होते हैं, राजनांदगांव और जगदलपुर सेम कट ऑफ वाले कॉलेजेस है। इसके बाद कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो एकदम ड्रास्टिकली नीचे जाता है। जो फाइट है ये शुरू के 4 कॉलेजेस के लिए है, रायपुर बिलासपुर राजनांदगांव और जगदलपुर, ये सबसे टॉप के कॉलेज है, तो जितने भी टॉपर्स होंगे स्टेट के वो इन 4 कॉलेजेस में भर जाते हैं, है ना। SC में अगर आप आते हैं और अपनी कैटेगरी में आप 456 नंबर लेके आते हैं, 456, है ना, इंग्लिश वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को ये 56 नहीं समझ में आता ना, बाकी लिखा हुआ तो पढ़ लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 456, 456 नंबर लेकर आते हैं, तो 456 नंबर में आपको एडमिशन मिल जाएगा जगदलपुर के अंदर, काफ़ी ईजिली मिल जाएगा, और इसके ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं। और ST के लिए 350, 350 नंबर चाहिए इस बार, क्योंकि पिछली बार 368 नंबर पे हुआ था, और इस तरफ बच्चों के नंबर जो है 300 के आसपास के जो रैंकर्स होते हैं उनका नंबर बहुत कम आया, इस बार बहुत कम बच्चे हैं। इस बार जो 100 के आसपास के नंबर वाले बच्चे उनका नंबर बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, है ना। तो यहां पर मैंने बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया है, यहां पर कट ऑफ जो है ST में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आपको देखने को मिलेगा, बाकी जगह उतना ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप नीचे भी आएंगे तो आपको दिखेगा ST में कि बहुत लो कट ऑफ जा रहा है, और लो कट ऑफ जाएगा भी, क्योंकि जो बच्चों का नंबर 300 से लेकर 400 तक का आया वहां पर बहुत कम नंबर आए हैं बच्चों के, बहुत कम नंबर आए हैं, वरना जनरली 400 के आसपास लोगों के ज्यादा नंबर आते थे। तो इस बार क्योंकि रीजन असर्शन वाला था तो टॉपर तो टॉप कर गए, लेकिन जो हम जैसे एवरेज बच्चे हैं वो एवरेज बच्चे यहां पर आकर फंस गए और उनके नंबर कम हो गए, तो हम मान रहे हैं कि इतने नंबर में ST में एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद रायगढ़ को माना जाता है अच्छा कॉलेज, तो रायगढ़ में जनरल कैटेगरी को 550 नंबर में एडमिशन मिला था लास्ट साल 550 नंबर में मिल गया था। इसके बाद 546 नंबर में OBC को एडमिशन मिल गया था, सॉरी लास्ट साल 557 नंबर में एडमिशन मिला था जनरल को, और OBC को भी 557 नंबर में मिला था। इस बार आपको 550 नंबर में रायगढ़ मिल सकता है, 546 में आपको रायगढ़ मिल सकता है अगर आप OBC के हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये जनरल के लिए, ये जनरल के लिए, और ये वाला OBC के लिए हुआ, ये वाला EWS के लिए है। अगर आपको 487 नंबर आ गए हैं तो आप EWS से रायगढ़ का कॉलेज ले सकते हैं। अभी इसके नीचे और बहुत कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। SC में अगर आप जाते हैं, SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, तो 455 नंबर और आपको इजीली ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, 454 453 में भी मिल सकता है, 2-3 नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि रायगढ़ में सीट का नंबर केवल 60 है, इसीलिए वहां पर कट ऑफ बहुत कम जाता है, और रायगढ़ में SC कैटेगरी के लिए सीट बहुत कम है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर केवल एक ही नंबर कम हो रहा है, और 2-3 नंबर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। रायगढ़ नहीं मिलेगा, कोई दूसरा कॉलेज मिलेगा, इसके नीचे का मिल जाएगा रायगढ़, 454 के नीचे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो 344 नंबर, यहाँ पर 6 ही नंबर कम किया है ST कैटेगरी के लिए, सीट का नंबर कम है, बाकी जगह ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। इसके बाद GMC अंबिकापुर में आपको लास्ट ईयर 548 में UR में एडमिशन मिला था, इस बार 545 में मिलेगा। सेम चीज़ आपको OBC में 540 में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व सीट्स हैं। इसके अलावा EWS में 476, तो 476 में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है।
EWS वालों को देखिए कि कितना ज़्यादा चेंज है। लगभग यहाँ पर आप देखते हैं तो 70 नंबर का डिफरेंस है अनरिजर्व्ड से EWS में आ जाने पर। तो EWS का जो सर्टिफिकेट है बड़ा काम आने वाला है इस बार सभी के लिए। हर बार पिछली बार भी बहुत अच्छा काम आ गया था। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो SC वालों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा 448 नंबर में और 332 मात्र 332 नंबर मैंने ST के लिए लिया है कि आपको यहाँ पर अंबिकापुर में 332 में एडमिशन मिलने की संभावना है। यहाँ पर ST में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी कट ऑफ जो है नीचे जाएगा और ये मैंने पहले भी इसका रीज़न बता दिया। यहाँ पर बच्चे बहुत कम है, बहुत लोगों के नंबर जो है वो 100 के आसपास 150 के आसपास आ गए हैं। ठीक है, ये जो डेटा निकाला गया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन दिस मार्क्स एंड दिस मार्क्स की 600 से 650 के बीच कितने बच्चे हैं, 650 से 670 के बीच कितने बच्चे हैं, 300 से 320 के बीच कितने बच्चे हैं, इसका जो डेटा होता है उससे ये कट ऑफ निकाला गया है। थोड़ा बहुत चेंज इसके अंदर आ सकता है। लास्ट कॉलेज जिसमें लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था GMC कांकेर, जो पिछले साल ही खुला है, आपको 545 नंबर में एडमिशन मिल गया था, 545 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए। ये लास्ट कॉलेज था जिसमें एडमिशन हुआ था, इसके बाद मॉपअप में एक आध बच्चे और आ गए थे। 542 में एडमिशन हुआ था OBC का और इस बार अनरिजर्व्ड को 538 नंबर चाहिए और OBC को मात्र 535 नंबर चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर EWS है तो 470 नंबर, पिछली बार कट ऑफ गया था 481, ये लास्ट कट ऑफ था पिछले साल का, तो इस बार 11 नंबर और कम चाहिए और आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और नीचे 3 कॉलेजेस और है ये याद रखिएगा। इसके बाद 459 जो था पिछले साल SC का कट ऑफ और इस बार लगभग 430 के आसपास आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर इतना बड़ा चेंज क्यों लेकर आ रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। जनरल में और OBC में आपको बच्चे बहुत मिलेंगे इसलिए चेंज ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 11 नंबर कम किया है, यहाँ पर आपको देखिए बहुत लगभग 20 नंबर कम किया है और यहाँ पर भी 16 नंबर कम किया है। आपको मैं इसका रीज़न बताता हूँ। ठीक है, अब ये ST का है, अब इसके नीचे आएंगे तो 15 नंबर और कम हो गया, यानी कि यहाँ जो लास्ट कट ऑफ का एडमिशन था, यहाँ पर लास्ट एडमिशन 346 नंबर में ST कैटेगरी को लास्ट साल MBBS मिला, 345 वाले को नहीं मिला। और मैं बोल रहा हूँ 315, मतलब बीच में 31 नंबर का डिफरेंस है, 31 मार्क्स का डिफरेंस मैंने लाया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपको 470 में लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था और मैं इस बार बोल रहा हूँ देखिए 459 नंबर में एडमिशन हुआ था SC का। लास्ट कॉलेज की बात कर रहे हैं, लास्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कॉलेज मिला उसको छोड़ दीजिए। लास्ट कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर पिछले साल 2021 में SC कैटेगरी को 459 नंबर में MBBS मिला, इस बार 428 में मिलेगा। मैं ऐसा बोल रहा हूं आप लोगों को, 30 नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना, 29 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर भी 481 में एडमिशन हुआ था EWS का, इस बार 462 में आएगा, 20 नंबर का डिफरेंस आएगा। 542 में OBC का एडमिशन हुआ था, 526 में एडमिशन आएगा इस बार 526 में लास्ट कट ऑफ जाएगा। कॉलेज का नाम बदल सकता है ना, हो सकता है कांकेर में इसमें एडमिशन हो जाए लेकिन जो लास्ट एडमिशन होगा इस नंबर पे होगा। 545 में आपको जनरल में लास्ट ईयर एडमिशन मिला था, इस बार 528 में आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। तो यहां पर जब कांकेर की बात आई तो कांकेर में मैंने इतना ड्रास्टिक चेंज इसलिए लेके आया है क्योंकि बहुत से बच्चे, क्योंकि कांकेर पिछले ही साल खुला तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई बहुत पुराना तो हो गया नहीं, तो कांकेर के बजाय दुर्गा को ऊपर रख दिया तो दुर्गा का कट ऑफ नीचे चला गया, कांकेर का नीचे चला गया, दुर्गा का ऊपर चला गया, कोरबा को इसके जगह रख दिया, महासमुंद को इसके जगह रख दिया। तो ये जो लास्ट के जो 4 कॉलेजेस हैं इसमें आप कॉलेज वाइज कट ऑफ एकदम एग्जैक्टली गैस नहीं कर सकते, इसके ऊपर गैस कर सकते हैं ना, इसके ऊपर गैस कर सकते हैं। आपको पता है यही सीक्वेंस बैठने वाला हमेशा टॉप पे रायपुर रहेगा, ये आपको पता है। इन दोनों में हमेशा बराबरी रहेगी, उस हिसाब से आप कट ऑफ गैस कर रहे हैं। हम लास्ट कट ऑफ गैस कर सकते हैं कि 528 है अनरिजर्व कैटेगरी में, आप सेफ हो, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है, अगर 4-5 नंबर कम है तो भी चलेगा। अगर आपके 526 है OBC कैटेगरी में आपको कॉलेज मिलेगा, 462 में EWS में मिलेगा, 428 नंबर में आपको SC में मिलेगा और
शेड्यूल ट्राइब में एसटी में 315 नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा। ये मेरा, ये लास्ट वाली चीज़ को देखिएगा, कांकेर में जो हमने लिखा है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों कॉलेजेस में सेम लिख दिया और यहाँ पर हमने ये ड्रास्टिक चेंज ला दिया। अब तीनों कॉलेजेस में सेम क्यों लग दिया, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि बच्चे दुर्ग को लास्ट रखना चाहते हैं, महासमुंद को लास्ट रखना चाहते हैं या कोरबा को। अब हमारे हिसाब से तो दुर्ग ऊपर आना चाहिए, लेकिन कौन सा बच्चा क्या सोचता है हमें क्या मालूम, तो हमने जो सबसे आखिरी में खुला उसको सबसे नीचे रख दिया है। लेकिन इन तीनों में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इस नंबर पर बात यह है। इसलिए यहाँ पर आपको मार्क्स भी सेम देखने को मिलेंगे कि सब जगह कैटेगरी वाइज मार्क्स जो है वो सेम देखने को मिला है। तो इससे और इसके बीच में आपके नंबर हैं तो आप इन तीन चार कॉलेजेस में से कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अंबिकापुर के बाद आपको कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि किस कॉलेज में किस नंबर पे मिलेगा। कॉलेज यहाँ तक डिसाइड करिए, उसके बाद किस्मत डिसाइड करेगी, उसके बाद दूसरे बच्चों का चॉइस फीलिंग डिसाइड करेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, आपका मार्क्स उस बच्चे से कम है या उस बच्चे से ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो हम गैस कर सकते हैं, यहाँ तक यही कट ऑफ जाएगा। ये मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जो येलो लाइन बनाई, अब येलो लाइन ना येलो येलो हो गया सब, मैं इसको आपको लाइन ही दूसरे कलर का कर देता हूँ और आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे कौन सा कलर बना दे भाई, कौन सा कलर का लाइन बना दे, यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइन बना दे, चले ग्रीन कलर का लाइन बना देते हैं, ठीक। ये ग्रीन कलर के लाइन के ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप अंबिकापुर गैस कर रहे हैं कि आपको मिल ही जाएगा इसमें अंबिकापुर। अब इसके नीचे अगर आपके मार्क्स हैं, 545 के नीचे मार्क्स हैं, 540 नंबर है मान लीजिए आपका जनरल कैटेगरी में, इस साल 2022 में आपने 540 नंबर लाया, इन चार कॉलेज में से कोई एक कॉलेज मिलेगा। बात समझ में आई, इन चार कॉलेज में से एक कॉलेज मिलेगा। आप कांकेर जरूरी नहीं है कि सबके सब इसको ऊपर रख दे, हो सकता है नीचे रख दे, हो सकता है यहाँ रख दे, हो सकता है यहाँ रख दे। तो 540 आए तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, लास्ट 528, इससे दो तीन नंबर और कम ले लीजिए, उससे कम है तो फिर मुश्किल है। 520 में मुश्किल है, किसी ने पूछा था 520 में हो जाएगा, 520 में थोड़ा मुश्किल है। अब अगर आप OBC में आए तो अगर आपका 540 नंबर से कम है तो इनमें से किसी नंबर पर आपको एडमिशन मिलेगा। 536 535 नंबर लेके आए तो इन चार कॉलेज में से कोई एक कॉलेज मिलेगा। नंबर पर मत देखिए, ये पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से है, इस साल ट्रेंड जो है वो बदल सकता है, पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से। तो 540 के नीचे है तो ये चार कॉलेज में से एक, अगर EWS में 475 के नीचे है तो इन चार कॉलेज में से एक, SC में अगर आपको 430 मार्क्स के नीचे है, सॉरी 448 के नीचे है तो आपको इनमें से कोई एक कॉलेज मिलेगा, और अगर आप ST के हैं 332 नंबर से कम लेकर आए हैं इस बार तो आपको इन चारों कॉलेज में से एक मिलेगा। ये आप समझ लीजिए कि इसके नीचे है तो ये चार कॉलेज में से एक, और मिनिमम आपको इतना नंबर चाहिए, इतना चाहिए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। एक दो नंबर हो सकता है चूक जाए, आप इतने नंबर से अगर दो तीन नंबर कम भी हैं काउंसलिंग में पार्ट लीजिए, इस नंबर से अगर चार पांच नंबर ज़्यादा है टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और ये याद रखिएगा कि अगर इससे आपके 8, 10, 15 नंबर भी कम है, आपकी कैटेगरी में इन मार्क्स से आपको 8, 10, 15 नंबर भी कम है तो आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ज़रूर अपने आप को रजिस्टर कराइएगा, क्योंकि मॉपअप राउंड की जब बारी आती है अगर कोई सीट बच जाती है, पिछले साल कांकेर में सीट बची थी, मेरे ख्याल से बिलासपुर में शायद सीट बची थी, किसी का अपग्रेड हो गया था रायपुर के लिए, तो जब सीट बचती है अगर आपके इससे 10 नंबर भी कम है तो मॉपअप राउंड में आपका चांस होता है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को मॉपअप पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको पता चलता है और आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने तो रजिस्टर फर्स्ट राउंड में करना ज़रूरी है। तो अगर यहां से आपके 15, 15, 20, 20 नंबर भी कम है ना तो भी आप ज़रूर रजिस्टर कराइएगा, आप अपने आप को रजिस्टर कराइए। रजिस्टर कराने में क्या जाता है, अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं तो पैसे वापस हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। आपने गवर्नमेंट कॉलेज भरा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट मत भरिए आपको नहीं पढ़ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज भरा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, जो रजिस्ट्रेशन फीस है पूरी वापस हो जाती है अकाउंट के अंदर, तो आपके पैसे तो डूबने वाले हैं नहीं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतने अच्छे नंबर तो लेकर आए हैं आप, तो फिर आप कर दीजिए रजिस्टर, और हो सकता है कि मॉपअप तक, और कभी कभी हो सकता है कि स्ट्रे वैकेंसी तक चली जाए बात, हो सकता है कि आपको एक आध सीट कहीं से मिल जाए। तो ये लास्ट है, इसमें आप श्योर रहिए कि इसके 2-4 नंबर ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और इसके बाद कट ऑफ जो है यहीं तक रहने वाला है, इससे थोड़ा ऊपर जा सकता है
लेकिन अगर आपके इससे 15-15, 20-20 नंबर भी कम आए हैं तो भी रजिस्टर जरूर करिए। लेकिन उनको मैं साफ साफ बोलता हूँ, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो, बट मॉपअप राउंड के लिए रजिस्टर करिएगा, क्योंकि मॉपअप के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, नहीं होगा। पिछले साल नहीं हुआ था तो इस साल भी नहीं होगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज है, और यहाँ पर जो तीनों कॉलेजेस का मैंने सेम लिखा है, उसका रीज़न मैंने समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बस इतना समझ लीजिए ये लास्ट कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, कोई भी एक कॉलेज मिल जाएगा। ऊपर मैंने और जो कट ऑफ बताए स्क्रीनशॉट आप पीछे जाकर ले सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम सारे क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करते हैं। कभी कभार हो सकता है कि लेट हो जाए 3-4 दिन, बट हम हर रोज़ ट्राई करते हैं कि कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, घूम घूम के सब जगह शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्टेटस पे लगाओ, अपने व्हाट्सएप के, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, हर जगह इसको शेयर करो, बहुत सारा शेयर करो और लाइक करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, और फोकट का काम कर रहे हो, करो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, जल्दी से करो, अब भी करो, अभी करो, नहीं तो चैनल वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, तब तक की थैंक यू वेरी मच।